तो अब आया है आज की शाम का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मोमेंट। हम आपको फ्यूचर की एक झलक देने जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अबाउट टू मीट अ कंटेस्टेंट हु यू गोइंग टू वॉच इन द बिग बॉस हाउस दिस सीजन। ये एक सिंगर हैं और इनकी लीनेज ही म्यूजिक की है। इनके फादर ने मेरे लिए बहुत सारे गाने गाए और हमने उनके साथ बहुत सारे शोज़ भी किए हैं। बहुत ही कमाल के सिंगर हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान भी। सो द सदस्य दैट वी आर अबाउट टू रिवील इज जॉन कुमार शानू। जॉन कुमार शानू, बहुत अच्छे यार। जॉन मुझे बताओ, आपकी हंसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिग बॉस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपने शो तो देखा ही होगा और मैं आपके फादर को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अनलेस ये एक आपका अलग साइड है और बिग बॉस के अंदर एक आप अलग साइड दिखाओगे। सो ऑनेस्टली बिग बॉस से ज्यादा नर्वस आई एम बिकॉज I'm meeting you for the first time in my life that मैं आपको मिल रहा हूँ सर। Actually my full body is shaking because I have been your fan since before, like I got to know like anything that my dad has done with you, my work, like my dad has worked with you, and जो आपका presence है सर उसके कारण मैं थोड़ा सा you know I'm just a bit dazed. You don't worry about me. John, you don't worry about me. You worry about the contestants inside. घबराना नहीं सर, contestants को मैं संभाल लूँगा। Contestants को सर मैं संभाल लूँगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा। Because सर मैं बहुत time से ये show देखते आ रहा हूँ, so I'm a very big fan of it and I'm very happy to be here. I'm very happy कि आप घर में जा रहे हो। रोना नहीं घर में जाके कि daddy की याद आ रही है। नहीं 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 सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ से अभी से थोड़ा सा डाइट वाइट कम करना शुरू कर दो, थोड़े से टास्क वास करना शुरू कर दो घर के अंदर ही। बिस्तर के नीचे घुस जाओ, चार दिन तक निकलो नहीं। ओके सर। और घर से बाहर निकलना नहीं भाई, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जाने से पहले आपको कहीं आइसोलेशन में जाना नहीं पड़े। जी सर। बी वेरी केयरफुल बिकॉज योर फादर इज ऑल्सो एट होम, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत संभल के रहना भाई, क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं अब ऑलमोस्ट मैं भी, तो आपको ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये तुम्हारी जो एक इनोसेंट जो स्माइल है वो देख के ऐसा लग रहा है कि तुमको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो मैं तो मैं एक एक्स कंटेस्टेंट को ये ड्यूटी सौंप रहा हूँ कि आपको कुछ टिप्स दें। और ये है द विनर ऑफ सीजन 13 यानी कि 13 सिद्धार्थ शुक्ला। आप दोनों बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। Hey John, what's up my man? How are you doing? All good bro. Very excited for Big Boss. How about you? Me, I'm excited to see all of y'all and getting excited in anticipation, hoping what you guys are going to do. वैसे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको पता है इस घर में टिप्स देना था मुझे आपको कुछ, तो इस घर में रहने के लिए मैं आपको सिर्फ ये टिप्स दे सकता हूँ कि इस घर में ना बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशंस को डील करना आपको आना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं? I think so. Yes, I'm up for it. Huh? I am up for it. I think I can. Great, great, great. And the only thing that I like to tell you is that you know, you just need to be yourself, be real, and you know, stand your ground and stand for anything that you feel is right. You need to voice yourself. Absolutely, absolutely. Okay, now that you look so confident, let me get you into some situations here, and let's see how you react to them. तो समझिए कि अगर घर में किसी लड़की ने आप पर चाय फेंक दी तो आप क्या करेंगे? अगर वो चाय मेरे ऊपर सुबह के टाइम पे फेंके तो बेटर होगा, बिकॉज़ फिर मुझे जागने में दिक्कत नहीं होगी। सो
गर्ल, बिकॉज दोनों अगर हम लोग झगड़ा करें, गर्म हो जाएगी ना, तो बात बनेगी नहीं. अगर वो एकदम गुस्से में है तो फिर मैं मैटर को ठंडा करके फिर उसको बाद में समझाऊंगा. एंड इफ शी डज नॉट यू नो देन लाइक यू नो इफ शी डज नॉट अंडरस्टैंड देन आई विल हैव टू टेक द सिड अप्रोच व्हिच आई एम सिड अप्रोच. यस. So like a prototype to me, you know? Absolutely. No. I'm trying to like take a lot of pointers because you've really, really inspired and like, you know, you've shown us how actually Big Boss is supposed to be played. So Hale, I think I'm going to try. I'm going to try to, you know, do that. Then you're definitely not going to be singing. You possibly might just make people sing. Yeah. That's going to be a good change for me since I have to sing wherever I go to make people right. Sing will be a good change. Right. Okay, I'll put you in another situation. Agar samjhe ki aapko lagatar log poke karte rahenge, to aap kya karenge? As Rajnikant sir famously said, ki bhediye hamesha jhund mein shikar karte hain. शेर अकेले चलता है. Right. तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ जहाँ पर मुझे ऐसी नौबत आई कि मुझे कंटिन्यूसली पोक किया जा रहा है एंड यू नो मुझे उकसाया जा रहा है, तो एक हद तक तो मैं ठीक है, ट्राई करूंगा मैटर को सुलझाने की. बट जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो मेरे भी जवाब होंगे और शायद मेरे जवाब उनको पसंद ना हो. बट आई थिंक दैट्स वॉट दिस शो इज अबाउट. सो Fantastic. तो शेर बाहर निकलेगा मतलब. बिल्कुल, बिल्कुल. Fantastic. Well done, जान कुमार. ये सब सुनने के बाद तो मैं बस आपको एक ही चीज कह सकता हूँ. Best of luck. Thank you so much. I'm sure it's going to be fun watching you.